अभी तक की कहानी हमने क्या पढ़ा कि ऑजुबल जो था वो एक नॉर्मल सीक्रेट एजेंट का जो अपीयरेंस होता है उसका वैसा अपीयरेंस नहीं था, मोटा था, ठीक है। पाउलर ने जैसा सोचा था वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था। एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट, दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली। यहां पे पॉसिबली का मतलब होता है एक्सेप्टेबल, मतलब बात करे तो चल जाए, ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट। फ्रेंच और जर्मन बोल तो लेता है लेकिन आज भी उसकी बातचीत में अमेरिकन एक्सेंट, एक्सेंट शब्द का अर्थ होता है लहजा। लहजा यानी प्रोनंसिएशन का स्टाइल। जैसे आप इंडिया के लोग हैं तो हमारी इंग्लिश, आर इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम द इंग्लिश दैट अमेरिकन अमेरिकन स्पीक। ऑन द अदर साइड इफ ब्रिटिशर्स आर स्पीकिंग देयर मैनरिज्म वुड मैच विद अस। ब्रिटिशर्स का मैनरिज्म अलग होता है, इंडियंस का मैनरिज्म अलग होता है, हर कंट्री के लोगों का अपना अपना एक एक्सेंट और मैनरिज्म होता है, समझे बेटा। तो ये अपने अमेरिकन मैनरिज्म को छोड़ नहीं पाया। He had brought to Paris from Boston. तो ये एक important question है कि वो कहाँ का रहने वाला था? Boston, America रहने वाला था। कितने साल से यहाँ पे काम कर रहा है? 20 years. For 20 years he has been here. You are disappointed, Ozubel said wheezily over his shoulder. You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage. Espionage का मतलब होता है भेस बदल के घूमना, अलग अलग बहरूबिया बन जाना। आपने कई बार सीक्रेट एजेंट के बारे में सुना होगा लेकिन आज आपको बता रहा हूं भारत के सबसे बड़े सीक्रेट एजेंट के बारे में। आज की तारीख में भारत के सबसे बड़े सीक्रेट एजेंट NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मिस्टर अजीत डोवाल है। मिस्टर अजीत डोवाल, आपको सुनकर हैरानी होगी कि वो कराची में और लाहौर में 8 साल तक अलग अलग भेस बना कर रहे। उसमें वो मैकेनिक भी थे, बैगर भी थे, यस 2 साल तक कराची की एक मस्जिद के बाहर उन्होंने भीख भी मांगी। तो ये कितना कठिन रहा होगा, आप समझिए कि आपको इतना पूरा लुक बदल लेना है। उसको कहते हैं एस्पियोनाज एंड डेंजर। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, यंग एंड रोमांटिक, यू एनविजन, कल्पना करना, मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स एंड वाइन। तुमने सोचा होगा कि कोई मिस्ट्री होगी, रात के वक्त गोलियां चलेंगी, पुलिस की रेड होगी। क्रैक यहां पे रिफर्स टू पुलिस की रेड, पुलिस की रेड होगी, पिस्टल्स होंगे, ड्रग्स होगा, वाइन होगा। यहां पे कुछ भी ऐसा नहीं है बेटे। इतने हिस्से में अगर कोई डाउट हो तो चैट में लिख सकते हैं, और समझ में आ गया हो तो रेज योर हैंड। एक डाउट आया है, अच्छा व्यक्ति ने बोला है डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लॉपी फैट मैन हु इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आईड ब्यूटी गेट्स ओनली अ प्रोसेक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। अब ये कहते हैं यार तेरा तो मूड खराब हो गया होगा, तुझे लगा होगा कि बहुत खूबसूरत सी लड़कियां होंगी जो मेरे हाथ में छुप के चिट्ठी दे जाएंगी और मैसेजेस डिलीवर होंगे। ये कॉमन चीज है बेटा, हमने अक्सर फिल्मों में ये देखा है, हमने खुद ने भी अक्सर फिल्मों में ऐसा देखा है कि हीरो से मिलने के लिए अलग अलग खूबसूरत लड़कियां आती हैं, है ना। वी हैव Seen this in movies. तो हमारी एक्सपेक्टेशन यही होती है।
बेटा एक सच्चाई बताऊं आपको मैं, हमें दुनिया, अब कैसे बताऊं, जब छोटा था तब हमें लगता था कि पुलिस के काम बहुत जोरदार है, रेड मारो, लोगों के ऊपर हमले करो, लोगों को पकड़ो। हमें पता ही नहीं था पुलिस वाले बेचारे धूप में घंटों खड़े रहते हैं, पुलिस वाले धूप में घंटों खड़े रहते हैं निगरानी करने के लिए। हमें क्या लगता था, पुलिस के तो जलसे होंगे यार, जोरदार लाइफ होगी, मजे करते होंगे। हमें इस चीज का रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं था कि उनकी जिंदगी कितनी कठिन है, उनकी जिंदगी कितनी कठिन है, इसका हमें रियलाइजेशन नहीं था। तो यहां पर भी इसको ऑसिबल कहता है कि तुम्हें लगा होगा कि तुम बहुत खूबसूरत लड़कियां होंगी जो मुझे मैसेजेस पहुंचाएंगी, जबकि मुझे एक सीक्रेट मैसेज, प्रोसेक टेलीफोन, सीक्रेट कॉल, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन दिस रूम, यू हैव बीन बोर्ड, द फैट मैन चकल्ड, मुस्कुराना टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। खुद साइड हुआ ऑसिबल और अपने गेस्ट को अंदर जाने दिया। यू आर डिसिल्यूजन, ऑसिबल टोल्ड हिम, बट टेक चेयर माय यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर for which several men and women have risked their lives. Come to me someday soon. That paper may well affect the course of history. In that thought is drama, is there not? कहते हैं भाई तेरी इवनिंग वैसे तो शांति से गई है, कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ नहीं है, लेकिन अब कुछ मजेदार होने वाला है। एक ऐसा कागज आने वाला है मेरे पास, एक कागज है मेरे पास जिससे इतिहास बदल जाएगा, लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। क्यों लग रहा है ना इंटरेस्टिंग? As he spoke, Ozible closed the door behind him. Then he switched on the light. And as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. जैसे ही लाइट ऑन हुई, फाउलर को दिन का पहला झटका लगा। For halfway across the room, यानी बीचों बीच, a small automatic pistol in his hand stood a man. एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में ऑटोमेटिक पिस्टल था। स्टूडेंट्स, एक बच्चे का डाउट है कि उसको ऑडियो नहीं आ रहा है, प्लीज कंफर्म इफ द ऑडियो इज क्लियर। अगर ऑडियो क्लियर हो तो हाथ ऊपर करेंगे। बेटा सी, मोर देन 20 स्टूडेंट्स हैव रेज्ड देयर हैंड दैट ऑडियो इज क्लियर। इफ ऑडियो इज नॉट कमिंग ऑन योर साइड प्रॉपरली, देन इट माइट बी अ मिस्टेक इन योर डिवाइस। अगर मेरे यहां गलती होती तो 20 बच्चों का हाथ ऊंचा नहीं जाता। एनीवेज, ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑसिबल ने अपनी आंखें छपकाई। मैक्स, ही वीज्ड, मैक्स, ऑसिबल उसको पहचान गया। अरे मैक्स, तुम, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन। ये कहता है, अरे मैक्स, मैंने सोचा तुम तो बर्लिन में हो। बर्लिन कहां है बेटा? जर्मनी। बर्लिन जर्मनी का कैपिटल है। What are you doing here in my room? अरे मेरे कमरे में क्या कर रहे हो तुम? Max was a slender, slender मतलब पतला, a little less than tall, थोड़ा हाइट में कम, with features that suggested slightly the crafty pointed countenance of a fox. उसके चेहरे के जो looks थे वो एक लोमड़ी के जैसे थे। There was about him, aside from the gun, nothing specially menacing. मैनेसिंग मतलब डराने वाला। तो सिवाय इसके कि उसके हाथ में गन थी, इसके चेहरे से भी कुछ डरावना महसूस नहीं हो रहा। द रिपोर्ट, ही मर्मर्ड, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, इट विल बी सेफर इन माय हैंड्स देन इन योर्स। तो कहता है जो रिपोर्ट है तुम्हारे पास वो मुझे दे दो, वो तुमसे ज्यादा मेरे पास सुरक्षित रहेगी। Ozible moved to an armchair and sat down heavily. I am going to raise the devil with the management this time and you can bet on it. Ozible bolta hai, raise the devil, main bata deta hu. Raise the devil with management matlab main jhagda karne wala hu in logo se. Ye kya tarik baat hui bhai? Har baar mere secret assignment pe koi na koi aa jata hai. And you can bet on it. मैं शर्त लगा के कह सकता हूं मैं मेरे मैनेजमेंट की बैंड बजा दूंगा।
He said grimly, "This is the second time in a month that somebody has got into my room through the nuisance of a balcony." बोले दूसरी बार हुआ इस महीने में कि कोई मेरे कमरे में इस बालकनी से घुस आया है. Paula's eyes went on to the single window of the room. It was an ordinary window against which now the night was pressing black. अब उसको अजीब लगा कि यहाँ पर बालकनी तो कुछ है ही नहीं, खिड़की है. Balcony, Max said. Where is with a rising inflection? No, a pass key. I didn't know about the balcony. कहता है मैं तो डुप्लीकेट चाबी से आया हूँ. देखिए पास की, डुप्लीकेट की. मुझे बालकनी का पता ही नहीं था. It might have saved me some trouble had I known. अगर पहले पता होता तो मेरा तो टाइम बच जाता. It's not my balcony, Ozible said with extreme irritation. It belongs to the next apartment. बाजू वाले अपार्टमेंट की. He glanced explanatorily at Fowler. You see, he said, this room used to be part of a large unit. And the next room, through that door, there used to be a living room. It had the balcony, which extends under my window now. You can get into it from the empty room two doors down. And somebody did last month. The management promised to block it off, but they haven't. अब कहता है, समझाता है कि मेरे जो ये एक्चुअली जो रूम है ये एक बड़े रूम का हिस्सा था. बड़े रूम को इन्होंने दो कमरों में बांट दिया. तो बाजू वाले रूम की जो बालकनी थी वो वहां पे तो बालकनी है, लेकिन मेरे यहाँ बालकनी आती है, लेकिन उसको इन्होंने खिड़की में बदल दिया है. तो अगर कोई चाहे तो मेरी बालकनी से उस खिड़की, मेरी खिड़की से उस बालकनी में जंप मार सकता है. Max glanced at Fowler, who was standing stiffly, stiffly मतलब straight, not far from Ozible, and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have to wait for half an hour, I think. हमको कुछ देर के लिए रुकना पड़ेगा, आधे घंटे तक. 31 minutes, Ozible said smoothly. Ozible कहता है ज्यादा नहीं, बस 31 मिनट. The appointment was for 12:30. I wish I knew how you learned about the report, Max. ये कहता है मुझे पता नहीं मैक्स तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चल गया. The little spy smiled evilly. Evilly मतलब दुष्टता के साथ. And we wish we knew how your people got the report, but no harm has been done. I will get it back tonight. What is that? Who is at the door? वो कहता है अभी तक उस रिपोर्ट से कुछ बुरा हुआ नहीं है और वो रिपोर्ट आज मैं वापस ले लूंगा. तभी दरवाजे पर नॉक हो दिया. कौन है? Paula jumped at the sudden knocking at the door. Ozible just smiled. That will be the police, he said. अरे पुलिस है, कुछ नहीं. I thought that such an important paper as that one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to clock on me, check on me to make sure everything was all right. मैंने ही पुलिस को कहा था कि अगर, sorry, इतना important paper मेरे पास रहने वाला है तो मेरी कोई security होनी चाहिए ना. अगर इतना important paper मेरे पास रहने वाला है तो मेरी कोई security होनी चाहिए, इसीलिए मैंने अपने लिए प्रोटेक्शन मंगा लिया. Max bit his lip nervously. The knocking was repeated. तभी बार-बार knock हो रहा है. What will you do now, Max? Ozible asked. If I don't answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked, and they will not hesitate to shoot. अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो वो घुस आएंगे, और वो तुम्हें शूट करने से हिचकेंगे नहीं. Max's face was black with anger. As he backed swiftly towards the window. He swung a leg over the sill. Ek tang khidki ke us taraf rakhi. Send them away, you want. I will wait in the balcony. Send them away or I'll shoot and take my chances. Usne bola inko bhaga. Nahi to main balcony mein, sorry, main balcony mein wait karta hu aur tu inko bhaga, nahi to main goli chala dunga. The knocking at the door became louder and voice was raised. Mr. Ozible, Mr. Ozible. Knocking aur tez ho gayi. Awaazein uthne lagi. Mr. Ozible, Mr. Ozible. ये आप देख सकते हैं नजारा. मुंह इसका इस तरफ है, Ozible की तरफ, और पांव उस तरफ रख दिया है. Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. उसने जंप मार दिया. The doorknob turned swiftly. Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. And then as he dropped, he screamed one shrilly. जैसे ही वो नीचे कूदा वो जोर से चिल्लाया. Shrilly मतलब unpleasant, कानों को चुभ जाए ऐसा. The door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and two glasses. दरवाजा ओपन होता है, पुलिस नहीं है, वेटर है, उसके हाथ में एक ट्रे है और ग्लासेस है, बॉटल है. Here is the drink you ordered for when you returned, he said, and set the
the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. उसने अनकॉक बोतल को खोला और इनको ड्रिंक दिया. White face Fowler stared at him, but he stammered, "The police." Fowler कहता ऑजबल को पुलिस कहाँ है? There was no police. पुलिस तो थी ही नहीं. Only Henry, whom I was expecting. बस हेनरी है जो आने वाला है. But won't that man on the balcony? Fowler began. Fowler बोलता है, अरे यार वो बालकनी में जो आदमी खड़ा है वो तो तुम पे हमला कर देगा. No, said Ozible. He won't return. वो वापस नहीं आएगा. You see, my young friend, there is no balcony. मेरे दोस्त, कोई बालकनी है ही नहीं. हमने उसे बेवकूफ बनाया और क्योंकि वो सिक्स फ्लोर से गिरा है उसके बचने के चांसेस भी नहीं है. तो ये कहानी है Ozible की, जिसने अपनी स्मार्टनेस से, अपनी एक्टिवनेस से इस बंदे को बेवकूफ बनाया और उसे फंसा दिया. आप में से जिसको भी जो भी डाउट हो चैट में लिख सकते हैं. आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट्स. चलिए कुछ डाउट सॉल्व करवाते हैं. ग्लैंस का मतलब होता है देखना. आई विल श्योरली सेंड द रिकॉर्डिंग बेटा. और किसका डाउट आया देखें. स्टैमर्ड, हकलाना. स्टैमर्ड का मतलब होता है हकलाना. एनीबडी एल्स हु हैज डाउट. स्वंग, घूम जाना, एक तरफ से दूसरी तरफ घूम जाना.